धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने हम रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और सेशन की शुरुआत से हमने आपको टाइटल दिया कि वो कौन है जो पैरोल पर आया। कुछ मैसेजेस आज कल से लगातार चल रहे हैं, और मैसेजेस इतने हैं जो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, उसके अलावा फ़ोन कॉल्स, सैकड़ों फ़ोन कॉल्स हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से हमारे पास आ रही हैं, मेरे पास भी आ रही हैं, और कुछ जितने भी लोग खास तौर पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े हैं सबके पास आ रही हैं। कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में अजीबोगरीब सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे इस लाइव सेशन में। तो कुछ मैसेजेस हैं, तो इतना लोग जुड़ते हैं, हम मैसेजेस पढ़ के आपको सुनाएं। हालांकि आपके पास भी आया होगा, और बाद में ये कहा गया भी ये मैसेज वायरल नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज ये भी खुशखबरी सात संगत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा आप पूर्व से जानते हैं कि आज पिताजी बरनावा आश्रम यूपी में पधार चुके हैं। पिताजी ने लाइव आकर तड़पती हुई सभी सात संगत को, जिम्मेदारों को अपने दर्शनों से निहाल किया। पिताजी ने आज बरनावा आश्रम में नाम की अनमोल दात भी दी। पिताजी ने आज डेरे के जिम्मेदारों के साथ बरनावा आश्रम के टीन शेड में मीटिंग की और प्रसाद दिया। पिताजी ने फरमाया कि सभी सात संगत जोरों शोरों से लग जाओ, और प्रशासन का भी आपने पूरा पूरा सहयोग करना है। जो दिशा निर्देश आपको मिलेंगे उसके अनुसार ही चलना है। सभी सात संगत अपना दिल थाम के बैठे, ब्लॉकों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसी के हिसाब से सभी ब्लॉकों को बुलाया जाएगा। कहाँ गया जी। गुरुगद्दी के बारे में भी स्पष्ट कर दिया कि पिताजी ने मस्ताना जी के परिवार में से कोई गद्दी का वारिस नहीं बना, शासत नाम जी के परिवार से गद्दी का वारिस नहीं बना, तो फिर हमारे यहाँ से ऐसा कैसे हो जाएगा। तरह तरह की अफवाहों को स्पष्ट किया। पिताजी ने आगे फरमाया कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पिताजी ने फरमाया कि बेटा, मालिक आपको बहुत खुशियाँ दे, और बिल्कुल फिक्र नहीं करना। जब हम आपके बाप फिक्र नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो। पिताजी ने लगभग सुनारिया में 700 भजन भी लिखे हैं। पिताजी ने फरमाया, बेटा बातें तो बहुत है, समय समय के अनुसार सब बताते रहेंगे। किसी भाई ने कहा कि पिताजी मेज हटा दो, तो आपने अपने आगे से पिताजी ने मेज हटा दी और खड़े होकर दिखाया। किसी भाई ने कहा कि पिताजी कमज़ोर हो गए, वजन घट गया, तो पिताजी बोले, बेटा पेट से घट गया और डोलों का बढ़ गया, तो फिर पिताजी ने अपना डोला भी बनाकर दिखाया। इस तरह पिताजी ने आते ही मौज कर दी और अपार खुशियाँ दी सात संगत को। नोट, सभी सात संगत से विनती है कि सभी ने पिताजी के वचनों पर 100% अमल करना और वचन मानने हैं जी। ये जानकारी कल जो घटनाक्रम हुआ उसको लेके मैसेज वायरल हुआ, हालांकि बाद में ये कहा गया इस मैसेज को वायरल नहीं करना है। दूसरा मैसेज जो आज वायरल हुआ है, हालांकि अभी 2-3 घंटे पहले वायरल हुआ है, उसमें क्या लिखा गया है। पूज्य पिताजी के अनमोल वचन, 18 जून 2022, अभी तो खेल शुरू किया है, फसल तो ठीक है, आने वाले बीज को भी ठीक रखना है, हमें आपके कुलों की चिंता है। गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे, तुम लाख छुड़ाओ हम ना छोड़ेंगे, किसी माई के लाल में ताकत नहीं हमारी यारी कमज़ोर कर सके, एक माँ की तड़प से हजारों गुना ज़्यादा हम तड़पते हैं, आपको खुशियाँ देने के लिए हम आपके दोनों जहाँ की माँ हैं, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पूज्य गुरु जी के आज के वचन। तो ये मैसेजेस, दो मैसेज हैं जो लगातार व्हाट्सएप पे कल और आज वायरल हुए हैं। अब आपके हिसाब से क्या क्या चल रहा है, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है किसी चीज़ को भी लेके, कल भी हमने ये बात स्पष्ट की और आज भी की, ये ओपिनियन नहीं है, ये लोगों की तरफ से जो कॉल्स आ रहे हैं उस कॉल्स को, उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट किया जा रहा है। थोड़ा टाइम पहले एक मैसेज हमने शेयर किया है, वो किसी व्यक्ति ने 7 मार्च 2022 को पोस्ट किया था, और उस मैसेज से मिलता जुलते संदेश हमें मिल रहे हैं, इसलिए उस मैसेज को शेयर किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मैसेज को सच मान लिया जाए, लेकिन शेयर इसलिए किया क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे विचार हैं। मसला ये कि सबसे पहले जो कॉल्स हमारे पास हैं वो इस बात के हैं कि किसी को महसूस नहीं हो रहा है, मतलब भावनाओं के तौर पे, इमोशंस के ग्राउंड पे जाए। हालांकि हम फैक्ट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग फैक्ट्स पे सुनना चाहेंगे, फिलहाल एक इमोशंस की बात करते हैं। कहते हैं पिताजी, हजूर पिताजी से रिश्ता है हमारा, गुरु शिष्य का रिश्ता है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है। लोगों का ये कहना है, अभी हमें महसूस नहीं हो रहा है कि पिताजी वाकई में बाहर हैं, हमारे दिल में वो खींच नहीं है जो खींच हमें उठा के ले जाए, जैसे हम पिताजी खींचे चले आते थे। मतलब एक उदाहरण पिताजी दिया करते भी, चुंबक है, लोहा खींच ही लेता है जहाँ भी लोहा आएगा, तो ऐसे ही सतगुरु एक चुंबक है और वो अपनी रूह को खींच लेगा, लेकिन बशर्ते रूह का साफ होना ज़रूरी है।
तो वो खींच नहीं है जो बरनावा की तरफ खींचे, मतलब ये इस तरह का फैक्टर ये बहुत लोगों के साथ है और बहुत से लोगों के कॉल्स हैं। हालांकि जितने भी लोगों के कॉल्स हैं 99.9% यही कॉल्स हैं कि हमें इमोशंस फील नहीं हो रहे और उनको अफसोस इस बात का हो रहा है कि क्या हमारे अंदर से पिताजी का प्यार मर गया, जो हमें इमोशंस मतलब भावनाएं हमारी जाग नहीं रही हैं, या हमें वैराग्य महसूस नहीं हो रहा है, या क्यों हम वहां जा नहीं पा रहे हैं। तो उसका सीधा सा सवाल का जवाब हम इस तरह समझें भी सतगुरु का रिश्ता आत्मा से है, शरीर से नहीं है। तो भी आपका शरीर खींचा चला जाएगा, आत्मा से आपकी आत्मा पहचानती है उसे। तो आत्मा जब निर्मल होगी, साफ होगी, तो वह पहचानती है, और पहचानती है तो वो हर उस कर्म तक को पहचानती है जो गुरु ने किया और जिस जगह से गुरु गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब घटनाक्रम जो कल सारा दिन हुआ, रात भर हुआ, और आज सुबह से शाम तक अब तक का हम कह सकते हैं जो घटनाक्रम चला, उसकी जानकारी हम आपको एक एक करके देते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जनरेट हुई। कल एक वीडियो जारी हुआ था और वीडियो में ये संदेश दिया गया, वो संदेश कम एक स्पष्टीकरण ज़्यादा था, और वहाँ से शक शुरू हुआ। शक इसलिए शुरू हुआ कि एक चीज़ उसमें बड़ी गड़बड़ थी, वो ये थी कि एडम ब्लॉक के लोग आपके घर आएंगे और आपके घर पे सेवादार भेजेंगे, उनकी आपने माननी है। सब कुछ हजम होता था, लेकिन एडम ब्लॉक के लोग घर आएंगे और उनकी बात माननी है, ये बात पिताजी कतई नहीं बोलते थे, भी किसी पे भी भरोसा नहीं करते थे। और ये चीज़ें समझ में आई। इसके बाद टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी क्या है कि हमें वो वीडियो लगा कि वीडियो ओरिजिनल है, लेकिन सवाल खड़ा हो कि वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि क्या है कि हम एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ इस तरह के षड्यंत्र हुए हैं, जहाँ हमारे घर के लोगों को सरेआम बिना किसी वजह से गोलियों से भून दिया गया, और जहाँ बिना किसी जिस केस में FIR दर्ज नहीं होती थी, उस केस में हजूर पिताजी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हजूर पिताजी का एक अच्छा खासा विशाल व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को चैलेंज करने वाला एक वीडियो जो कल सामने आया, वीडियो बेशक से वो ओरिजिनल हो सकता है, क्या वीडियो में दिखने वाला शख्स ओरिजिनल है या नहीं, तो संभावना ये सोचने पे आई कि क्या वास्तव में कोई पिताजी जैसा दिख भी सकता है या रूप धारण कर सकता है या नहीं। तो इस संभावना का समाधान क्या है? तो कुछ लोगों के कॉल्स ऐसे भी आए जिन्होंने ऑनलाइन गुरुकुल मूवी में शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था, मतलब उनका रोल प्ले हुआ था उसमें, और ख़ास तौर पे वो लड़कियां थी। तो उनका ये कहना था भी उस मूवी के अंदर पिताजी ने 10 अलग अलग रोल किया, मतलब हमने मूवी में डबल रोल सुना होगा, उसमें 10 रोल आपको क्या बोलेंगे, 10 रोल्स हैं उसमें पिताजी के। और ये बात पिताजी ने भी सत्संग में मजलिस में एक बार बताई थी। कहते हैं भी उस टाइम शूटिंग के दौरान पिताजी के बॉडी डबल्स तैयार किए गए थे, मतलब पिताजी जैसे हूबहू लोग मेकअप करके तैयार किए गए थे, और पिताजी ने खुद एक बार ऐसा कुछ रखा भी सभी इकट्ठे खड़े हो गए और बच्चों को बोला भी पहचान करके बताओ भी ओरिजिनल कौन है। मतलब आप सोचिए, आवाज़, नए नक्श सब मिलाए गए मेकअप के जरिए, और ये बच्चों के सामने, और वो बच्चे जो लगभग पिताजी के साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं उनको बोला गया। तो बच्चे पहचान नहीं पाए भी ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। जब ऐसी स्थिति आ गई तो बच्चे रोने लगे कि जी ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी हमें कैसे पता चलेगा ओरिजिनल कौन है, तो हम गलती ना कर बैठें, हमारी गुरु भक्ति में दाग ना लग जाए। जब ये चीज़ आई निकल के, तो फिर पिताजी ने जाहिर कर दिया अभी असली कौन है और बाकी डबल्स कौन है, बाकी जो डुप्लीकेट तैयार किए गए हैं वो कौन से। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा भी क्या पिताजी का डुप्लीकेट तैयार किया जा सकता है, किया जा सकता है, और वो किया गया भी है पहले भी, और इस हद तक किया गया है भी जो बच्चे पिताजी के साथ रहते हैं वो बच्चे भी पहचानने में गलती खा गए भी ये असली कौन है और नकली कौन है। तो ये संभावना तो नहीं है भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। कल क्या हुआ है? कल क्या, बहुत से लोग वहाँ गए। तो आपको ध्यान हो, गुड़गांव में जब ये पैरोल की बात चली तो उस समय हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने एक जवाब दिया था भी हजूर पिताजी को खालिस्तानी आतंकियों से खतरा है, और इसकी वजह से उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है, और वो Z+ सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है अभी, क्योंकि वो जेल से बाहर आएंगे तो Z+ सिक्योरिटी एक्टिव रहेगी। तो सबसे पहले जब आप आश्रम में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, 4 संतरी मिलेंगे, वो भी लोकल थाने के, मतलब Z+ सिक्योरिटी छोड़िए, वहाँ Z, X, Y, Y+ कुछ कोई किसी लेवल की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब पुलिस के नाम पे 4 कांस्टेबल हैं, उनमें भी किसी एक के पास असला हो तो हो, वरना नहीं है। डेरे के अंदर किसी भी तरह का सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दिया, बरनावा डेरे में कल, आज भी नहीं दिखाई दिया।
उसके बाद जो लोग अंदर गए उनको मोबाइल तक ले जाने की अनुमति थी और चेकिंग नहीं की जा रही थी। मतलब हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मेटल डिटेक्टर था, लेकिन जो सामान बैग आप ले जा रहे हैं उसकी चेकिंग नहीं की जा रही थी। और आप जा सकते हैं पंडाल में जाके आराम कर सकते हैं। पंडाल के एक हिस्से में टेंट लगाया गया और टेंट लगाने के बाद ये कहा गया अभी यहाँ पे 45 मेंबरों की मीटिंग होनी है करीब रात 8 बजे। तो 45 मेंबरों की मीटिंग है जो कथित तौर पे विविता जी लेंगे इस मीटिंग को। तो मीटिंग शुरुआत हुई और उसके बाद करीब 500 से 600 लोग पंडाल में मौजूद थे बाहर की तरफ, उस टेंट से बाहर की तरफ। वो मीटिंग चल रही थी या नहीं चल रही थी मालूम नहीं, लेकिन चलती मीटिंग के दौरान बाहर से लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, अभी हमें भी दर्शन करने हैं, कुछ इस तरह से शोर मचाना शुरू किया और लोगों को। और कहा गया, ये कहा जाता है कि उस मतलब ये जो बताया गया कि उस समय टेंट खुलवा दिए गए और टेंट खुलवा के उन लोगों को भी उस टेंट के दायरे में ले लिया गया और मीटिंग जारी रखी गई। अब जारी रखी गई मीटिंग में कुछ चीज़ें जो ऐसी घटित हुई और वो अजीबोगरीब थी, और उसके बाद बहुत से सवाल खड़े होने शुरू हुए। अब जो मैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसकी बैकग्राउंड आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहते हैं उसमें वहाँ पे एक 45 मेंबर खड़ा हुआ, उस 45 मेंबर ने सवाल रखा, सवाल नहीं रखा, एक भूमिका बांधनी शुरू की कि गुरुजी आपने, पिताजी आपने कोरोना काल में काढ़ा भेजा था और उस काढ़े का हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और बहुत से लोगों को कोरोना नहीं हुआ और बहुत से लोगों की जान बच गई, आपने साथ संगत पर बड़ा परोपकार किया है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साथ संगत की तरफ से। तो एक 45 मेंबर ने बात रखी, उसके बाद कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काढ़े को नकली बता रहे हैं, अभी आपने भेजा ही नहीं। तो इसमें क्या जवाब आया, भी ये काढ़ा हमने खुद महीना या 15 दिन सेवन किया, उसके बाद ये काढ़ा हमने आपको दिया और ये काढ़ा तब हमने संगत तक पहुँचा। तो ये जवाब आया, किसका जवाब, जिन्हें हम पिताजी समझ रहे हैं अभी, पिताजी का जवाब ये आया। अब जब ये जवाब आया उसके बाद अगला सवाल क्या होना चाहिए था, अभी जेल के अंदर जड़ी बूटियां किसने सप्लाई की, उसके बाद अगर 15 दिन ये टेस्ट किया गया ये काढ़ा, तो फिर लिखते समय जो फॉर्मूला आया उस फॉर्मूले में गड़बड़ कैसे हो गई, क्योंकि उस समय ये बताया गया कि फॉर्मूले में जब गड़बड़ हुई कि लोगों को गर्मी करने लगा तो उस काढ़े में कुछ मात्रा करेक्ट की गई और वो दोबारा उसका मैसेज पब्लिश किया गया, इस तरह की जानकारी आई। मतलब पहला स्टेज भी जेल के अंदर जड़ी बूटियां बाहर से जा नहीं सकती, दूसरा वहां पे अगर ये टेस्टेड था तो फिर गलत जानकारी चिट्ठी के जरिए क्यों आई। तो यहां से सवाल खड़ा हो गया भी क्या ये काढ़े का सवाल वहां पे क्यों रखा गया पब्लिक के सामने। दूसरा सवाल था भी चिट्ठियों को लेके, भी 10 चिट्ठियां आपने लिखी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं मैं ही ऐसा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चिट्ठी पे सवाल खड़ा करते हैं, ये चिट्ठी गलत है, ये चिट्ठी आपने लिखी नहीं। तो जवाब में आया कि हम तो 100 चिट्ठियां भी लिख सकते थे। तो ये वो लोगों की, मेरी टीम की तरफ से भी कुछ लोग वहाँ गए थे, तो 100 चिट्ठियाँ लिख सकते थे लेकिन हमने 10 ही लिखी, हमने 10 ही चिट्ठियाँ लिखी, हम तो और भी बहुत लिख सकते थे। मतलब एक अजीबोगरीब जवाब था। जब ये बात आई कि नहीं चिट्ठियों पर शक करते हैं, नहीं बोला चिट्ठियाँ हमने लिखी हैं हम कह रहे हैं, तो मतलब वो चिट्ठियों की सफाई, एक ही 45 मेंबर ये सारे सवाल पूछ रहा है। तीसरा सवाल था हनीप्रीत को लेके, मतलब हनीप्रीत ने बहुत कुछ सहा है, हनीप्रीत को लेके बहुत प्रचार किया गया, बहुत अनाप शनाप बोला गया, बहुत गलत गलत बोला गया, और हनीप्रीत दीदी ने बहुत सारे दुखड़े सहे, बहुत कुछ सहा, बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की, तो बहुत मेहनत की। तो उसके बाद हनीप्रीत की तारीफ के कसीदे पढ़े गए और उसके बाद ये जवाब आया भी हनीप्रीत हमसे मिल के गई और कहने लगी भी मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय खुद का मुंह तोड़ लिया वो अलग बात है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो जो भी कसीदे पड़े गए हनीप्रीत की तारीफ में, तीसरी ये चीज़ आई। चौथा कहता जी आपकी सेहत कैसी है, क्योंकि ये सेहत का सवाल हमने कल उठाया था, तो चलो सेहत पे चल पड़ा, ये सेहत कैसी है, तो बोले सेहत ठीक है। अब उदाहरण बड़ा अजीब था कि क्या है कि जिस जगह पे वो डेरा है उसके पास एक जगह है, उसका नाम है लाक्षाग्रह। लाक्षाग्रह आपने सुना सुना सा शब्द होगा, ये लाक्षाग्रह महाभारत के टाइम का शब्द है। लाक्षाग्रह उसे कहते हैं, अभी पांडवों को एक महल में बंद कर दिया और उसमें वो महल लाख से बना था, मतलब उसमें जल्दी आग लग जाती थी, वो एक ज्वलनशील पदार्थ से बना था। और लाक्षाग्रह कुछ आश्रम के पास ही डेरा, जो बरनावा डेरा है उसके जस्ट पास एक जगह है लाक्षाग्रह, तो कह उसका जिक्र हुआ भी ये एरिया लाक्षाग्रह है। अभी लाक्षाग्रह के समय में जब भीम था तो भीम यहाँ रहा, तो भीम के अंदर 1,00,000 हाथियों का बल आ गया था, मतलब भीम जब घर से बाहर रहा, कुछ ऐसा ही जवाब था, एग्जैक्ट क्या था ध्यान नहीं, पर ये जरूर था भी भीम के अंदर 1,000 हाथियों का बल आ गया था, और हम तो 5 साल से बाहर, तो हम में कितना बल आ जाएगा। तो मतलब ये अटपटा सा जवाब होगा, अभी कोई तुक नहीं है, अभी 1,000 हाथी का तो क्या 5,000 हाथी का बल आ गया, मतलब अजीब सा जवाब है। चलिए उसके बाद एक ये मैसेज में लिखा गया, ये बात भी हुई
कि पेट घट गया और डोला बढ़ गया है, तो हमें तो भैया उस कुर्ता पजामे में आपको डोला कहीं से दिखाया दे रहा है, ये शोल्डर इतने तो शोल्डर मेरे भी दिखाई देते हैं, तो ये शोल्डर और ये शोल्डर क्या बोन विड्थ होती है, और पिताजी जिम्मेदार रहे हैं, कोई जिम में जाके शोल्डर नहीं बनाए थे, और उसके बाद पिताजी तो 1990 के बाद से उतनी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाए, फिर भी पिताजी के शोल्डर डाउन नहीं हुए थे, आप 2017 तक भी देख लेंगे 27 साल में पिताजी के शोल्डर डाउन नहीं हुए थे, लेकिन अचानक से 4.5 साल में शोल्डर डाउन हो गए, बाइसेप्स तो है ही नहीं, बोला डोला दिखाया, कुर्ता पजामा तो पूरा ऊपर तक पहना हुआ है और डोला है तो दिखाया नहीं, तो दिखाया कहाँ से, पहले ही शरीर कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो ये एक अलग सा जवाब था, इसके अलावा और क्या था, एक ये था अभी पिताजी ने जो कहना था लोगों का जो उस मीटिंग में अटेंड कर रहे थे, पिताजी ने खुद को माँ का दर्जा दिया, गुरु का दर्जा ना दे के पिता का दर्जा, क्योंकि हम पिताजी कह के बुलाते हैं हजूर पिताजी को, सभी लोग चाहे हम छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, एक ही घर की चाहे चार जनरेशन हों, लेकिन सभी पिताजी कह के बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि पिता समान मानते हैं, पिता के रूप में कहते हैं भी हम भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान पिता समान है, तो इस तरह से ये बात आती है, लेकिन उसमें माँ का जिक्र किया गया, और ये माँ का जिक्र का पैटर्न किसने चलाया, पिताजी कभी साथ संगत में इस तरह का जिक्र नहीं करते थे हम आपकी माँ हैं, तो ये माँ का जो पैटर्न है ये हनीप्रीत ने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे चलाया, तो ये चीज़ भी हुई। उसके बाद एक अजीबोगरीब चीज़ ये थी, स्टेज पे बैठे हैं उनके हिसाब से पिताजी जो जिन्होंने बताया मीटिंग में थे, स्टेज पे पिताजी बैठे हैं वहाँ पे हनीप्रीत को बुलाया गया और सेल्फी ली गई, मतलब ये सेल्फी इंस्टाग्राम पे ये एस्टैब्लिश करने के लिए होगी कल को भी अब हजूर पिताजी का सबसे क्लोजेस्ट जो एसेट है वो हनीप्रीत ही है। उसके बाद गुरुगद्दी को लेकर बात चल पड़ी। अब गुरुगद्दी को लेकर जो मैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया भी, गुरुगद्दी हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, हम ही गुरु थे, हैं, रहेंगे, परिवार का जिक्र हुआ, किस तरह से हुआ भी, श्यामस्ताना जी महाराज ने अपने परिवार को गुरुगद्दी नहीं दी, परम पिताजी ने नहीं दी और हम भी नहीं देंगे, शाही परिवार गद्दी लेना चाहता है, ये सवाल ही कब खड़ा हुआ। मसला ये भी शाही परिवार को डिसक्रेडिट करना है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं, इस तरह से किया जा रहा है भी, परिवार तो गद्दी की मांग कर ही नहीं रहा है, शुरुआती स्टेज में भाई जसमीत ने ये बात क्लियर कर दी थी, उनकी तरफ से तो कभी ये सवाल उठा ही नहीं, ये सवाल उठा हनीप्रीत के ऊपर कि गुरुगद्दी हथियाने का जो आडंबर है वो हनीप्रीत रच रही है, ये सवाल हनीप्रीत पर उठा था, तो सफाई किसको दी जा रही है भी, हम थे गुरु, हम हैं, हम ही रहेंगे, जब ये सवाल तो है ही नहीं, हनीप्रीत भी सफाई दे चुकी है, सच कहूँ भी बड़े बड़े अक्षरों में छाप चुका है, तो ये सवाल किस लिए, ये सवाल शाही परिवार को डिसक्रेडिट करने के लिए, तो ये चीज़ भी चली। और उसके बाद वहाँ पे नाम दिया गया और 15-20 बच्चों को नाम दिया गया, सिर्फ बच्चों को नाम दिया गया, और ये सब घटनाक्रम हुआ। इस सब के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अब आपको समझने की ज़रूरत है, क्या जो जो लोगों ने बताया, और एक आदमी ने नहीं बताया, कम से कम 3 लोग हमारी टीम से वहाँ इंडिपेंडेंट थे, और उसके अलावा और बहुत से लोग जो मुझे जानते थे, लेकिन 3 लोग हमने स्पेशली भेजे थे। उसके बाद क्या हुआ है वो, मतलब इस दौरान बीच में कुछ घटनाक्रम कैसा हुआ, एक व्यक्ति ने भीड़ में से कोने में खड़े होकर बोल दिया भी यार ये तो पिताजी है ही नहीं, भी ये पिताजी है नहीं, लग नहीं रहे हैं। जब ये बात हुई तो अचानक से 2 लोगों ने उसे पकड़ा और उठा के बाहर कर दिया भी। अब ये हुआ तो यहाँ से शक की सुई घूमने शुरू होती है। दूसरा क्या हुआ, अभी उस टाइम एक कैमरामैन है जो बार बार घूम रहा था आगे, जो लोगों का कहना था अभी कैमरामैन बार बार घूम रहा था, कभी किधर वीडियो बनाने के उसमें, और वो कैमरामैन को बाद में हटा दिया गया लास्ट के कुछ क्षणों में, भी कैमरामैन को बिठा दिया जाए, हटा दिया जाए, कुछ इस तरह से किया गया। तीसरा भी जो पिताजी यूजुअली बैठ के आशीर्वाद देते हैं, मतलब क्या है कि आप सत्संग में मजलिस में बैठे हैं, भजन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन क्या लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं डेरे में, तो अपनी प्रार्थनाएं अपनी चलती हैं, आप गुरुजी को निहार रहे होते हैं, निहार के आप अपने मन में प्रार्थना बोल रहे होते हैं और वो प्रार्थना गुरुजी सुनते रहते हैं, तो बीच बीच में चलती बातचीत में, बातचीत कुछ भी चल रही हो, पिताजी आशीर्वाद देते रहते हैं, मतलब चलते हर बातचीत में बीच बीच में आशीर्वाद देते रहते हैं, तो जो आशीर्वाद देते रहते हैं वो एक पिताजी का अपना स्टाइल है। और जो मीटिंग में गए उन लोगों का कहना था भी लगभग 1 घंटा बैठने के बाद भी पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया बीच में एक बार भी, जबकि हम अंदर से प्रार्थनाएं करते रहे और पिताजी हर बार ऐसे आशीर्वाद दिया करते थे, क्योंकि हमें पता है कि प्रार्थना करने पे पिताजी तो अंदर से जानते हैं, पिताजी कौन सा बाहर से सुनते हैं, तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, तो ये एक अजीब लगा। उनका भी पिताजी जब उठ के गए तो हाथ जोड़ते हैं, पिताजी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है भाई, जब पिताजी स्टेज पे आते हैं और स्टेज से वापस जाते हैं तो साथ संगत को सजदा करते हैं, और उनका पैटर्न है सजदा करने का, एक स्टाइल है
तो हल्का सा झुक के हाथ, एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे पिताजी सजदा करते हैं। तो क्या जो सजदा करने का स्टाइल था वो बड़ा अजीबोगरीब था, वो हमें बड़ा डाउटफुल हो गया। उसके अलावा और कई चीज़ें ऐसी हुई, उन्होंने कहा भी कुछ लोग थे जो पिताजी के साइड में थे, हालांकि उन्होंने नाम भी बताए थे पर मैं नाम नहीं कोट करता यहाँ पे, भी वो इशारे कर रहे थे नीचे से सामने से पिताजी को, भी इशारे में जैसे कुछ बताना चाह रहे हों, इशारे कर रहे थे भी। ये एक अजीब फैक्टर जो दिखाई दिया, क्योंकि जिसे हमने भेजा था वो एक ट्रेंड कमांडो था, वो ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी था, वो एक ट्रेंड कमांडो था जो हथियार चलाना भी जानता है और सब तरह से तरी चीज़ें जानता है। इसके अलावा एक और फैक्टर था भी, जब स्टेज से उठे तो पीछे से एक आदमी पर्ची लेके, और पर्ची पढ़ते ही तो उठ के चल दिए, इस तरह से चल दिए। अब चल दिए ये भी एक अजीब था, उन्होंने कहा भी अजीब इसलिए था क्योंकि पता नहीं है अजीब यहाँ कैसे लगे, लेकिन अभी दूसरा पैटर्न आपको बताते हैं। दूसरा पैटर्न क्या कि जब हनीप्रीत जेल से बाहर आई थी और उसके बाद वो मीटिंग कंडक्ट करती थी, तो हनीप्रीत की कोठी में पैटर्न चलता था, वो कुर्सी पे बैठ जाती है, आगे कुछ लोगों को बिठा लेते जैसे पिताजी बिठाते हैं, इस तरह से बिठा लेती और सवाल जवाब चलते, कुछ भी चलता। जहाँ पे कॉम्प्लिकेट होने लगती चीज़ें, वहाँ पे क्या होता, अचानक से पीछे से कोई व्यक्ति आते हैं, तो वो बोलता है दीदी वकील आए हैं दिल्ली से, आपसे मिलना चाहते हैं, और इतना कह के वो उसे ले जाते हैं। ये पैटर्न बहुत लंबे टाइम तक हनीप्रीत के साथ देखा गया, जो भी लोग हनीप्रीत से मिलने जाते हैं। कुछ इसी पैटर्न पे कल जो चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे मीटिंग में, तो वहाँ से मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि वहाँ बैठे लोगों के अंदर शक पैदा करने लगी। उन्होंने बाहर निकलती, बहुत से लोगों ने रात को 12:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, लगभग 2 बजे तक मेरे पास कॉल्स चलते रहे, और उसके अलावा मेरे अलावा और बहुत से लोगों के पास कॉल्स गए। तो सुबह मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कॉल करके बताया भी ये सब कुछ हुआ। इस सबसे हटके जो सबसे अजीबोगरीब घटना थी वो था नाम देना। नाम देना अजीबोगरीब ये था कि कहते हैं भी वहाँ पे पिताजी ने ऐसे कहा कि हम इन बच्चों की वजह से बाहर आए हैं, तुम्हारी वजह से नहीं आए हैं, इन बच्चों को नाम देना था इसलिए आए हैं। करीब 15 बच्चे थे और उसमें कई बच्चे 45 मेंबरों के भी परिवारों से थे, छोटे बच्चे, और कुछ परिवारों ने भी संपर्क किया भी हमने अपने बच्चे को नाम दिलाया है वहाँ से, तो ऐसे भी मैसेज मेरे पास आए, तो नाम दिया गया। लेकिन अजीब क्या है कि जब पिताजी नाम देते हैं तो नाम की एक रूहानियत की आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि पिताजी शरीर पे कपड़ा ओढ़ते हैं, एक चादर ओढ़ते हैं, और चादर ओढ़ने के बाद पिताजी के जो फेस का रंग है वो फेस का रंग काला पड़ जाता है, मतलब वो पिताजी शरीर त्याग देते हैं और धर्मराज की सभा में उन रूहों का हिसाब अपने पास ले लेते हैं, और ये एक प्रक्रिया है आध्यात्मिक तौर पर, और फिर वो वापस शरीर में आते हैं और उसके बाद वो नाम बताना शुरू करते हैं, भी ये होता है। लेकिन जो कल नाम दिया गया उसमें प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई, सीधा नाम देने लगे, और नाम देने से पहले ये बात बोल दी भी आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी है इनको नाम याद करवा देना। नाम 3 से 4 बार नाम शब्द बोला गया और सुनाया गया बच्चों को, नाम शब्द की व्याख्या नहीं की गई, नाम शब्द के नियम नहीं बताए गए, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 3 या 4 बार नाम शब्द बताया गया और उसके बाद ये नाम की प्रक्रिया खत्म हो गई, ये मान लिया गया, और पेरेंट्स को बोल दिया गया भी इनको याद करवा देना, जबकि यूजुअली डेरे के नियम में कुछ और होता है। अब वहाँ बैठे जो लोग थे उनके मन में एक नया सवाल आ गया, अभी अभी थोड़ा टाइम पहले तो ये बात बोल के हटे थे कि बच्चों के लिए स्पेशली बाहर नाम देने के लिए आए हैं, और अभी बच्चों के लिए ही टाइम नहीं है, क्योंकि नाम जब ख़त्म किया तो ये बात बोल दे भी इनको याद करवा देना, हमारे पास समय नहीं है, हम जा रहे हैं। तो ये एक नया सवाल बन के खड़ा हो गया कि पिताजी के पास वाकई में टाइम नहीं है, और है अभी तो बोल रहे थे बच्चों के लिए है, और अभी बच्चों को ही नाम देने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 3-4 बार नाम शब्द बताया और उठ के चले गए। अब इस सब के दौरान जैसे पिताजी के फेस पे हम देखते हैं, जब पिताजी बैठते हैं तो एक लाइट लगी होती है प्रॉपर, अलग से भी पूरी वीडियोग्राफी ढंग से हो, लाइट हो, ये सब कुछ हो, तो ये सब चीज़ चलती है, लेकिन वो सब ऐसा नहीं था। दिन ढलने का इंतज़ार किया गया, कुछ अंधेरा कुछ चांदने में ये मीटिंग की गई, चेहरा ढंग से पढ़ा ना जा सके, और अब आपको समझ में आई वो कैमरा मैन बार बार आगे से क्यों गुजर रहा है, आप कॉन्सनट्रेट ना कर सकें उस चेहरे के ऊपर, और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एक्टिंग के अंदर, जो हम अज्यूम कर सकते हैं अभी जो लोगों के हिसाब से, हम ये नहीं कहते भी जो वो बोल रहे हैं जो उनका सोचना है वो सही है या सच है, लेकिन जो वो सोच रहे हैं उसमें बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल इसलिए है भी कोई भी ऐसा डाउट नहीं है जो क्लियर हो रहा हो, और ये और उसके बाद जो सवाल जवाब वहाँ चल रहे हैं वो इस प्रकार से चल रहे हैं अजीबोगरीब। उसके बाद ये तो था कल रात की जो घटनाक्रम है, उसके बाद क्या हुआ कि लोग बाहर आ गए, सब कुछ हुआ, मतलब ये था कि वहाँ पे एंट्री के लिए आपको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, भी आपको पहचान नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति उस मीटिंग में चला गया, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे चाहे वो किसी भी तरह का सेवादार था या नहीं था, उसको कुछ आई कार्ड वगैरह नहीं दिखाना था। अजीब ये था कि हम आज आज भी शास्त्र नाम जी धाम में जाते हैं तो मोबाइल हमारा अलाउड नहीं होता है,
लेकिन वहाँ मोबाइल अलाउड था। कहाँ तक? टेंट तक मोबाइल अलाउड था, किसी की सिक्योरिटी चेक नहीं था। ये बड़ा अजीब था, सिक्योरिटी चेक नहीं था और मोबाइल तक अलाउ कर दिए गए, लेकिन लोगों ने खुद से ही मोबाइल लोग लेकर नहीं गए भी अंदर, तो मोबाइल क्या जाएगा, उनको पता है बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल तो जाएगा ही नहीं, तो लेके ही क्यों जाएं जब वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। ये सब घटनाक्रम कल का हुआ। अब उसके बाद आज एक और मैसेज आया, उस मैसेज में आज की घटना ये थी कि कुछ लोगों का कहना था कि हम घूम रहे थे कहीं 10 नंबर कमरे के पास या कहीं खड़े थे, तो वहाँ अचानक से सामने खिड़की लगती होगी, कोई जगह होती होगी, तो वहाँ से हमारे को पिताजी के दर्शन हुए। करीब 20 मिनट पिताजी वहाँ खड़े रहे, और जब खड़े रहे तो उन्होंने एक बात कही कि अभी हम गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। मतलब अजीब है भी, अगर खिड़की से भी 10 मिनट के लिए खड़े हो गए तो भी यही बात बोली जा रही है कि हम गुरु हैं और गुरु रहेंगे। दूसरी बात क्या मेन बोली भी, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ गुरु की सुननी है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये था, मतलब अजीब है लेकिन चलो ये बात थी। और तीसरा बाकी गुरु थे, गुरु हैं, गुरु रहेंगे, और ये फसल तो ठीक है, ये जानकारी मेरे पास मैसेज से आई है, लेकिन जो लोग वहाँ थे उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है। इस सबसे हटके एक सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है, मिशाही परिवार की तरफ से अभी भी कोई व्यक्ति यूपी दरबार में नहीं गया है, सिवाय हनीप्रीत तो वहाँ पहले से मौजूद है, लेकिन कोई और व्यक्ति शाही परिवार की तरफ से यूपी दरबार नहीं गया है। तो क्या जो आशंका जताई जा रही है, आशंका किस रूप में जताई जा रही है कि बहुत से लोगों को लगता है कि शाही परिवार कुछ खुलासा करके जा सकता है, क्योंकि अगर आप 2-3 लोग ऐसे हैं जो हनीप्रीत के बहुत करीबी माने जाते हैं सोशल मीडिया में, उन्होंने क्या थोड़ा टाइम पहले एक पोस्ट वायरल की थी भी कोई एक वीडियो आ सकता है, एक आदरणीय लोग हैं, हमने उन्हें आदर दिया लेकिन उन्होंने हमारे आदर की कदर नहीं पाई, तो हमारे लिए वो आदरणीय अब नहीं रहे, कुछ इस तरह से 2-3 लोगों ने जो मेन सोशल मीडिया पे खासतौर पे फेसबुक पे एक्टिव है या यूट्यूब पे, उन्होंने इस तरह के पोस्ट डाले थे। और उसके बाद ये अनुमान लगा लिया गया था अभी डेरे में आदरणीय सिर्फ शाही परिवार को ही बोला जाता है और पिताजी को पूजनीय बोला जाता है, तो ये भी शाही परिवार की ओर इशारा करता हो ये मैसेज था। उसके बाद शाही परिवार के ऊपर सवाल एडम ब्लॉक और 45 मेंबरों ने उठाने शुरू कर दिए। अब उनको जो कल हमने जिक्र किया भी शाही परिवार, उनको अनुमान है भी शाही परिवार कुछ ऐसा बोल कर जा सकता है जो शायद गड़बड़ पैदा करे, कुछ तकलीफ पैदा करे, इसलिए ये जो कल की इमीडिएट जो पैरोल है, कल या परसों जो पैरोल हुई है इमीडिएट, वो इसका आउटकम है। अब शाही परिवार ने बरनावा डेरा से दूरी बना ली है, दूरी बनाई मतलब वो गए नहीं है। अब आप अजीब लगे भी माता जी क्यों भाग रहे हैं पिताजी से, वो क्यों नहीं मिलना चाहते, मिलना नहीं चाहते, या कोई ऐसी पावर भी है जो माता जी और पिताजी के बीच में आगे खड़ी होगी जो मिलने देना नहीं चाहती। लेकिन हमारी जितनी जानकारी है वो ये है कि शाही परिवार वहाँ जाना नहीं चाहता। तो क्या ये एक ऐसा सच है कि शाही परिवार जो बता सकता है, जिसकी कल्पना एडम ब्लॉक कर रहा है कि वास्तव में जिन्हें हम पिताजी समझ रहे हैं वो पिताजी है ही नहीं, मतलब ये एक डाउट है, ये क्लियर नहीं है अभी, ये एक डाउट है भी क्या ऐसा है, और तभी शाही परिवार वहाँ जाना नहीं चाहता। मतलब क्या शाही परिवार अब एडम ब्लॉक के नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहता? हालांकि ये बात जितना बोल देना आसान है, प्रैक्टिकली उतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ऐसे भी, क्या वास्तव में इतना बड़ा स्कैंडल हो सकता है कि एक जेल से कैदी डुप्लीकेट बन जाए और इस तरह से एडम ब्लॉक उसे ले भी आए और इतना सब कुछ हो जाए और सरकार मंत्री अपने बयान भी देते रहे, तो क्या ऐसा सबकी जानकारी के बिना संभव है? मतलब ये एक बड़ा डाउट है। तो इस डाउट में बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं कि जब जेड प्लस सिक्योरिटी सरकारी रिकॉर्ड पे है तो फिर जेड प्लस सिक्योरिटी का एक भी कमांडो पिताजी की सुरक्षा में तैनात क्यों नहीं है? बरनावा डेरे के अंदर चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? सिक्योरिटी क्यों नहीं है? सरकारी भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, सिर्फ पहरेदार खड़े हैं लेकिन चेकिंग नहीं हो रही है। फोन अलाउड हैं, बैग अलाउड हैं, सब कुछ है, जबकि शासक नाम जी धाम में आज तक भी अलाउड नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा ये कि जो सवाल जवाब है, वो सवाल जवाब वही सवाल जवाब क्यों है जो सवाल मैंने उठाए हैं इस लाइव पे, या हमारे इस लाइव के जरिए जिस भी व्यक्ति ने उठाए, वही सवाल जवाब उस मीटिंगों में क्यों चल रहे हैं? और कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? चिट्ठी को सच साबित करना क्यों ज़रूरी है? इसके अलावा और बहुत सारे सवाल जवाब हैं। अभी पंचकुला में लोग मारे गए, उनके परिवारों से मिला जा सकता है, उनको सांत्वना दी जा सकती है, उनसे बात हो सकती है। ये जो मीटिंग्स हैं, पब्लिक से मिलना जुलना है, ये ओपन दिन के उजाले में नहीं है, ये सार्वजनिक नहीं है। जबकि डेरा के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि पिताजी के ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पैरोल पे। तो फिर ये सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको रेक्टिफाई कौन करेगा, इसको स्पष्ट कौन करेगा? मतलब क्या है कि स्टेज पे पिताजी बैठे हैं और उसको हनीप्रीत को बुला के सेल्फी खींच रहे हैं भी, क्या ये लॉजिकल है?
लॉजिकल है या फिर एक प्रोपेगेंडा है जो आने वाले टाइम में इस्तेमाल होगा। बिहानी प्रीत का वो सेल्फी वायरल होगी और उससे पहले तस्वीरें निकाल दी गई हैं दो, और वो तस्वीरें बड़ी अजीबोगरीब हैं। जो तस्वीर हजूर पिताजी की एक जारी की गई है, जो हाल फिलहाल में कल जो वीडियो जारी किया गया उसके थंबनेल पे जो यूट्यूब के एक फ़ोटो लगाई गई, वो फ़ोटो बाद में साथ साथ फ़ोटो वायरल भी हुई सोशल मीडिया पे, क्रॉप करके फ़ोटो वायरल भी हुई। तो उस फोटो से बहुत सारे आंकलन लगने लगे भी, ये फ़ोटो अलग अलग तरीके से मतलब किस तरह से मॉडिफाई की गई है ये फ़ोटो, और अजीब है। और उसके बाद जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के शुरुआत में जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज पिताजी की मेल नहीं खा रही है। आपको ध्यान हो, दो साल पहले जब छत्रपति हत्याकांड का फैसला आया था उसके बाद शोभा गोरा की तरफ से एक मैसेज वायरल किया गया था, शोभा गोरा था या कैसे कि लोगों ने ये बताया कि शोभा ने बताया, हालांकि रिटर्न में वायरल नहीं हुआ था, पर ये मैसेज बड़ा अफवाह के तौर पर उड़ाया गया कि पिताजी की जेल में जाके हाइट बढ़ गई है। ये अजीब है, जबकि पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भी, हाइट बढ़ गई है। और आज क्या है कि जो लोग मीटिंग में जाकर आए हैं कल की और आज की, उनका भी ये कहना है कि पिताजी की हाइट नॉर्मल से दो एक या दो इंच ज़्यादा है, जो हाइट है वो नॉर्मल नहीं है उससे, मतलब जितनी हाइट थी उससे दो इंच ज़्यादा है। तो ये जो फैक्टर है वो सारे कहीं ना कहीं क्लब कर रहे हैं। और क्योंकि जो हमने पोस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले शेयर किया है फेसबुक पे अपने पेज पे, उसमें जो फैक्टर्स लिखे गए डॉक्टर रामपाल द्वारा, वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं ओवरलैप करने लगे हैं और वहाँ से संदेह जो है वो बढ़ने लगा है। और सबसे बड़ा जो डाउट है वो डाउट इमोशंस पे है भी, आपके इमोशंस क्या रिप्लाई कर रहे हैं भी। क्या है कि आपको ध्यान हो, जो लोग देखे जितना जो लोग समझते हैं इस, क्योंकि पिताजी से रिश्ता लोगों का भावनाओं से है, और भावनाओं से वो चीज़ें ज़्यादा कैलकुलेट होती हैं कि पिताजी से हमारा प्रेम बढ़ रहा है घट रहा है सब कुछ है। तो याद हो थोड़ा टाइम पहले SIT ने सवाल जवाब की लिस्ट बाहर की थी, और उस लिस्ट के सवाल जवाब पढ़ने के बाद आपको लगता था, मतलब मुझे तो एटलीस्ट लगता था कि ये सवाल जवाब पिताजी के ही दिए गए जवाब है, मतलब इस तरह से सटीक जवाब थे भी, ये पढ़ के महसूस होता था अंदर से। हालांकि उसका कोई प्रूफ नहीं था कि वो नकली है या असली, लेकिन वो भी एहसास करा देते थे लोगों को। ये तक लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं भी हमें इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे अंदर प्रेम पैदा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अंदर वो खींच क्यों नहीं है जो हमें बरनावा ले जाए भी, ये वो इमोशन जनरेट क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि उसको आध्यात्मिक तरीकों से लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन ये डाउट जो जनरेट हो रहा है, इस डाउट को दूर करने के लिए उनके पास तर्क नहीं है। और ये जो घटनाक्रम कल हुआ और आज हुआ, और उसके बाद इसके अलावा और कई चीज़ें घटित हुई, वो ये कि जो लोगों को बुलाया गया कल, क्या हुआ, लिमिटेड लोगों को एडवांस में बुला लिया गया और उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। फिर बहुत सारी जगह पे सिलेक्टेड लोगों को मैसेज दिए गए, खासतौर पे 45 नंबरों के परिवारों को या सेवा समिति वालों के परिवारों को भी आपने आना है कल। लेकिन जब देर रात या कल रात को जब वो लोग पहुँचे तो डेरे के दरवाजे बंद कर लिए गए और उन लोगों को वापस जाना पड़ा। दूसरा ये कि कुछ लोगों को रास्ते से ही वापस भेज दिया गया, अभी कल की मीटिंग्स कैंसिल हैं, और आज मीटिंग के नाम पे ये खिड़की वाला सीन हुआ। लेकिन उसके अलावा एक जानकारी और थी भी, आज शाम को सेवा समिति वालों की मीटिंग होगी। अब मसला ये भी, अगर ये शक जितने भी जनरेट किए जो कल लोगों ने मीटिंग अटेंड की, या जो आज जिन लोगों ने ये सब कुछ देखा, या उसके बाद जो वीडियो को देख के लोगों के अंदर डाउट पैदा हो रहे हैं, उस सबको दूर कैसे किया जाए। एक तरफ ये भी, क्या सरकार इतना बड़ा स्कैम कर सकती है या नहीं कर सकती, और कर सकती है तो कानून नाम की चीज़ कहाँ है। दूसरा भी, अगर ये स्कैम हो रहा है तो वास्तव में पिताजी कहाँ हैं, क्या वो जेल में हैं भी या कहीं और हैं, हैं तो वो सुरक्षित हैं या स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो ये सारे सवाल आपको परेशान करने लगेंगे अंदर से, तो ये चीज़ें भी निकल के आएंगी। अब मसला भी, क्या ये संभव है, तो ये बिल्कुल संभव है। क्या है कि स्कैम तो ये हो रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हाई कोर्ट में क्लेम कर रही है वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे है नहीं, और ये है क्योंकि डेरे की तरफ से वीडियोग्राफी ये सब कुछ बैन कर दिया जाता है, नहीं तो ये प्रूफ के तौर पे हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है भी, जो कोर्ट में बोल रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं है। दूसरा ये कि पुलिस की मूवमेंट नहीं है, पुलिस की सैनिटाइजेशन प्रोसेस नहीं है, SP रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इट मीन्स पुलिस अगर उस मीटिंग के अंदर पिताजी के आसपास कोई भी हथियारबंद सुरक्षाकर्मी नहीं है, ये एक बड़ी अजीब चीज़ है। और सरकार ऐसी स्टेज पे, जब पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके बाद क्या इतनी लाइट ले लेगी थी, जिनको एक MLA भी बिना, मतलब छोटा मोटा कोई अच्छा खासा रसूख वाला कोई MLA भी होगा, वो भी अपने साथ एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी लेके चलता है। इवन डेरे के अपने जो गार्ड्स हैं वो भी हथियारबंद गार्ड्स पिताजी के आसपास नहीं है, जो उस मीटिंग के अंदर भी, ये एक बहुत अजीब गरीब है। जबकि 13वास में भी जब मीटिंग होती थी, जहाँ पे डबल डबल चेकिंग के बाद हम जाते थे, वहाँ भी पिताजी के बराबर हथियारबंद कमांडो खड़ते थे।
पिताजी के अपने प्राइवेट भी थे और सरकारी भी खड़ते थे, लेकिन यहाँ ना सरकारी हैं ना प्राइवेट हैं। उसके बाद सुरक्षा के नाम पे ये दो चार जो बिंगे टेढ़े प्रबंधक हैं वो खड़े हुए हैं, और वो सुरक्षा क्या करेंगे सबको मालूम है। हाँ, कुछ लोग आपको अलग अलग जो काफिले वाले लोग हैं, लड़के हैं, ये सब कुछ ये आपको डराने के लिए जगह जगह खड़ाए गए हैं। तो ये सारा पैटर्न जो सारा सिंडिकेट है चल रहा है। अब इस सब में ये तो स्पष्ट है भी सरकार जो बोल रही है वो ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। दूसरा, जो पिछकल हमने आपको जानकारी दी भी, एक जांच हमने शुरू की है, वो जांच लगभग 3,000 करोड़ के घोटाले की है। अब 3,000 करोड़ का घोटाला, उसकी अगर जांच कर रहे हैं तो उस जांच में इतना बड़ा झोल हो जाए तो कोई बड़ी मतलब इसे हम अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे भी इतना बड़ा झोल हो गया। इसके बाद भी पिताजी का डबल पॉसिबल है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया भी जो ऑनलाइन गुरुकुल मूवी थी उसमें पिताजी के हम शक्ल तैयार किए गए थे 2 या 3, और उसके बाद बच्चों को बुला के जो पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको बुला के पूछा गया था भी आप पहचानो इसमें से असली पिताजी कौन हैं, और बच्चे जो बच्चे पिताजी के साथ खेलते रहे हैं वो भी पहचान नहीं पाए थे कि असली कौन है। और इसका मतलब पिताजी के हूबहू शक्ल और शरीर वाला चेहरा तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उस टाइम ये बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी कि पिताजी जैसा बिहेव करना है आपको। और ये सब तो है दुनियावी तौर पे जो चीज़ें दिखाई गई, हो सकता है उस समय पिताजी ने इसीलिए ये चीज़ें दिखाई हो भी आज के दिन पे हम इस पे चर्चा कर सकें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पहलू पे जो अक्सर ये आता है भी गुरु का रूप धार के भी काल आ सकता है आपको भरमाने के लिए, लेकिन सच्चे गुरु का शिष्य अपने गुरु को अपनी आत्मा के शुद्धिकरण से पहचानता है, ना कि नज़रों से पहचानता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं, आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे और वो सारे सवाल हमारे तक आप भिजवा रहे हैं, और वही सवाल मैसेज में बहुत से लोग लिख रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, और भी मेरे साथ जुड़े बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग गुस्सा भी निकाल रहे हैं, नहीं आप तो पिताजी पर शक करने लगे। हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ शक करने पर मजबूर कर रही हैं। हम नहीं कहते भी ये जो हो रहा है ये सब गलत है या सही है, लेकिन जो हो रहा है वो शक के दायरे में ज़रूर है, और ये शक हमने नहीं पैदा किया। मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन जो थे उन्होंने बताया। उस मीटिंग की समाप्ति के बाद कुछ लोग हमने और भेजे, जब ये जानकारियां हमें मिली तो कुछ लोगों को हमने डेरे और भेजा, रात को 3 बजे के आसपास करीब कुछ लोगों को हमने भेजा, 3-3.30 बजे। और जब उनको भेजा तो वो गए तो उनको बोला गया अभी बहनों वाले गेट से आपको एंटर होना है। बहनों वाले गेट से उनको एंटर कराया गया बिना चेकिंग के, उनके मोबाइल और बैग रात को अलाउ कर दिए गए। मतलब क्या एक बड़ी घटना को आमंत्रण दिया जा रहा है अगर हम ये कहें कि बिना कोई चेकिंग नहीं है, कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा, बहनों वाली तरफ से एंट्री कराई जहाँ बहनें पंडाल में सो रही थी, और उनको क्रॉस करते वो भाई जो है वो भाइयों की तरफ आए। रात को उन्होंने पूरे डेरे का राउंड लिया, सब कुछ लिया, क्योंकि वो प्रॉपर इसी काम के लिए गए थे। उन्होंने वहाँ पे किसी भी प्रबंधक को नहीं देखा किसी भी ड्यूटी पे, और कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो पुराने थे, लेकिन जिनको भेजा गया था वो डेरे के हर बड़े से बड़े सेवादार को जानते हैं। इस सब के अलावा जब वो सारा कुछ कर करके सो गए भी, चलो जी सारी रात से सफ़र किया अब सो जाएं, तो सोने के 1 घंटे बाद उनको चुन लिया गया, चयनित कर लिया गया भी ये लोग कौन हैं। चयनित करने के बाद उनको उठा के स्पेशल डेरे से बाहर निकाल दिया गया, ये कह के भी पंडाल खाली करना है, पिताजी का आदेश है। भी सुबह 4 बजे कौन सा आदेश आया था और उन 3 लोगों ने कौन सा पंडाल भर दिया था जो उनको सुबह सुबह 4 बजे उठा के बाहर निकाल दिया गया डेरे से, भी पंडाल खाली करो जी आदेश है। उसके बाद जानकारी मिली भी कुछ सतब्रह्मचारियों को डेरा से भेजा गया है कहाँ पे, बरनावा, और लेकिन बरनावा उनको नज़रबंद कर दिया गया, उनको घूमने की अनुमति नहीं थी, या जो लोग पहले गए थे उनको भी नज़रबंद कर दिया गया, ये कह के भी प्रशासन ने डेरा की का जो छानबीन करनी है या डेरे का जो मुआयना करना है, और इस वजह से आपको अभी कुछ आभार नहीं घूमना है और किसी के सामने नहीं आना है। तो ये जानकारी आई। तीसरी जो जानकारी आई वो आया झगड़ा। झगड़ा क्या हुआ, जो उत्तर प्रदेश जो बरनावा आश्रम की जो मैनेजमेंट है वो हाल ही में कुछ महीने पहले बदली गई है पूरी की पूरी मैनेजमेंट, और जो पुराने सेवादार थे जो लगभग 20 30 40 सालों से वहाँ सेवा करते रहे हैं, तो कल जब मीटिंग हुई वो लोग जब मीटिंग के लिए आए तो उनको मीटिंग में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब ये बड़ा अजीब था भी, एक आम सत्संगी जो वहाँ जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई पहचान नहीं है, वो भी अपना मोबाइल साथ ले जाके स्विच ऑफ करके उस मीटिंग में बैठ सकता है, लेकिन जो प्रबंधक 40 40 साल से वहाँ पे सेवा करते रहे उन लोगों को उस मीटिंग में घुसने की अनुमति नहीं थी।
ये एक अजीब है, लेकिन खैर हमें हम स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं, जबरदस्ती दिया जा रहा है वो अलग बात है। अभी हम पिताजी से स्पष्टीकरण नहीं मांगते हैं, हमने सवाल एडम ब्लॉक पे उठाए, हमने सवाल हनीप्रीत पे उठाए। ये अजीब है, अभी हनीप्रीत और एडम ब्लॉक पे उठाए गए सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। जब उनसे जवाब मांगते हैं तो वो ये बोलते हैं या उनके चेले ये बोलते हैं भी हम इतने बड़े हैं कि हम मोहित जैसे आदमी को सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते। लेकिन अब वो कह रहे हैं अभी पिताजी जवाब दे रहे हैं, मतलब जिन सवालों का जवाब देना मैनेजमेंट उचित नहीं समझती उन सवालों का जवाब पिताजी के जरिए क्यों दिलाया जा रहा है। मतलब जब चिट्ठी के जरिए सवालों के जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुए तो वीडियो या फिजिकल अपीयरेंस दिखा दी गई और वो अपीयरेंस भी शक के दायरे में आ गई। अब ये जो प्रोपेगेंडा बिल्डअप किया जा रहा है कि परिवार तो वहां जा नहीं रहा है, शाही परिवार हनीप्रीत के साथ स्टेज के ऊपर सेल्फियां हो रही हैं और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा बिल्डअप हो रहा है भी गुरु कभी अपने परिवार को कोई पावर देकर नहीं जाता और वो पावर दूसरे को मिल सकती है, ये एक साइमल्टेनियसली नैरेटिव सेट हो रहा है। इसका मतलब क्या आने वाले भविष्य में फिर से हनीप्रीत के लिए गुरुगद्दी का ग्राउंड तैयार हो रहा है? मतलब ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस सब मसलों में पिताजी के मुकदमों को लेकर कोई बात नहीं है, पिताजी की रिहाई को लेकर कोई बात नहीं है, पिताजी के साथ जो षड्यंत्र रचे गए उसको लेकर कोई बात नहीं है, पिताजी के खुद के ऊपर जो सवाल उठे उनके जेल जाने के बाद उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है, इस सब के बाद जो जेल के अंदर जो कोर्ट केसों के अंदर जो झोल हुए उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। और एक दो व्यक्ति ऐसे भी मिले जो इस तरह के सवाल जवाब करने के लिए खड़े हुए कल मीटिंग में, लेकिन उनसे पहले सवाल पूछे गए, अगर उनके सवाल जब अजीबोगरीब लगे कि ये सवाल तो नहीं पूछने हैं तो उनको बिठा दिया गया, अभी आप ये सवाल पूछ नहीं सकते हैं। मतलब वही सवाल आप पूछ सकते हैं जो एडम ब्लॉक चाहता है, अपनी मर्जी से नहीं पूछ सकते हैं। अब मसलन ये भी कल को आपको पता कैसे चले भी जो ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जब 21 दिन की फरलो नकली बनाई जा सकती है तो क्या ये फरलो नकली नहीं हो सकती? उस समय गाड़ियों में कौन बैठ कर आया था? उस समय भी जेड प्लस सिक्योरिटी का दावा किया गया जबकि जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद ये भी दावा किया गया चिट्ठी के जरिए भी हनीप्रीत पिताजी को छोड़ने सुनारिया गई थी, जबकि हनीप्रीत उसी समय जब पिताजी सुनारिया वापस जो गाड़ियां जा रही थी उस समय हनीप्रीत डेरा शासत नाम जी धाम में नाम चर्चा सुन रही थी। तो झूठ लिखा गया चिट्ठी में और झूठ परोसा भी गया और प्रचार भी किया गया। तो जब गुड़गांव को लेकर चुनाव के लिए इतना बड़ा प्रसार किया जा सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता है? तो ये कोई नया नया भी नहीं हो सकता। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि पिताजी का डुप्लीकेट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें सरकारी रिकॉर्ड से भी हमें पता चल रही हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग हमारे सरकार में भी जानकार हैं, मित्र हैं, उनका भी ये कहना है कि ये सब कुछ जो लोग इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्या है कि देश के अंदर बहुत सारे लोग खुफिया तरीके से भी काम करते हैं, कौन किसके साथ कहाँ अटैच है किसी को नहीं पता होता, लेकिन बहुत सारे तंत्र सरकारी तौर पर भी चलते हैं, गैर सरकारी भी चलते हैं, तो इस तरह से तंत्र चलते हैं, लेकिन उन गलियारों से जो खबर निकल कर आ रही है उन खबरों में भी इन चीज़ों की महक सुनाई दे रही है, दिखाई मतलब आ रही है महक कि भी ये पैरोल नहीं है, कुछ अजीब है, मतलब ये पैरोल है नहीं, सरकारी रिकॉर्ड्स में कागजात दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वो कागजात हैं तो कहाँ, पैरोल दी गई तो पैरोल के लिए बागपत के मजिस्ट्रेट से अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया, उस पैरोल का बॉन्ड क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बिना वो पैरोल जा नहीं सकती थी, बागपत में मूवमेंट हो नहीं सकती, और बागपत में मूवमेंट हो रही है तो बागपत का SSP वहाँ पर मूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है अपनी, वहाँ पर सक्रियता क्यों नहीं है, हथियारबंद सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं है, बैकअप पे कौन सा सिक्योरिटी इंचार्ज है, अगर कोई हादसा हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई भी ऐसी संभावना भी हो तो बैकअप कैसे आएगा, जब सिक्योरिटी गार्ड तो 13 वाज से करीब करीब 100 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी पे बैठे हैं और उसके बाद भी अंदर 2 गेट हैं, उनको कैसे पता चले 13 वाज के अंदर कोई घटनाक्रम होगा या नहीं, क्योंकि दो दुश्मन कौन है ये कोई नहीं जानता है। इन सब के बीच अभी ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी तक पंचकूला दंगे के पूरे आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, सारी चीज़ें घूम रही हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे हैं भी क्या इतना बड़ा सब कुछ बनाना इतना आसान होगा एडम ब्लॉक के लिए? आसान इसलिए भी हम आपको ये बता रहे हैं भी ये पैसे का झोला है, जब एक केस जिसमें हाई कोर्ट बोल रही है भी FIR दर्ज नहीं हो सकती तब भी FIR दर्ज होकर केस नाथजब बनता है, चलता है, सजा भी हो जाती है और उस केस को सच्चा साबित करने के लिए 50 से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी जाती है, तो सोचिए जब एक निर्दोष 50 लोगों को गोली मार के झूठा केस सच्चा बनाया जा सकता है तो क्या एक डुप्लीकेट खड़ा नहीं किया जा सकता? मतलब हम 25 अगस्त 2017 को धोखा खा चुके हैं तो क्या दोबारा हम आंख बंद करके यकीन कर ले भी हनीप्रीत जो कर रही है वो सही कर रही है? तो क्या कल को जो वो सेल्फियां बना के अब निकालेगी इंस्टाग्राम पे तो क्या ये मान लें कि अब अगली पावर ऑफ अटर्नी हनीप्रीत के नाम पे आ गई है या हनीप्रीत एक पोटेंशियल गुरुगद्दी की कैंडिडेट है, क्योंकि पिताजी बार बार संगत में ये बोल के जा रहे हैं
कि भाई गुरुगद्दी पे परिवार का बंदा तो नहीं आता, लेकिन ये तो नहीं कहा मैं गुरुगद्दी किसी को देंगे ही नहीं। मतलब ये जो नरेटिव सेट किया जा रहा है एक साइकोलॉजिकल वे में, और उसके बाद क्योंकि लोगों का तो प्रेम है पिताजी से, अब हनीप्रीत को थोड़ा ही मालूम है कौन सा व्यक्ति कितने साल से जुड़ा है, कितने करीब से चीज़ों को पहचानता है नहीं पहचानता है, ये तमाम चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हैं। आप जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मुझे नहीं लगता ये ब्लॉक वाइज कोई सिस्टम शुरू होने वाला है, ये सब एक कैलकुलेशन है। जैसे बड़ी कंपनियों वाले जब इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जो लूटने वाली कंपनियाँ होती हैं, जो बेवकूफ़ बना के ठग लेती हैं पैसा, वो क्या करती हैं, वो एक इंटरव्यू चलाती हैं, इंटरव्यू चलाती हैं भी इस तरह से भी वो बेवकूफ़ लोगों को छांटती हैं, जिन लोगों को कानून की जानकारी ना हो उनसे पैसा ठग लेती हैं, और उनको दिखाते हैं भी आपको बड़ी पोस्ट दे देंगे, आपसे एक बड़ी अमाउंट 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करवाएंगे, बदले में 1 लाख रुपये का आपका विदेश का ट्रिप निकाल देंगे, और 6 महीने बाद पैसा लेके गायब हो जाएंगे। और इसी तरह कुछ चल रहा है भी, लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग में जो लोग मूर्ख हैं, जो पिताजी को करीब से नहीं जानते, जो पिताजी के नए नक्श को पहचानते नहीं है या उतने व्यवहार को नहीं पहचानते, उन लोगों को तो एक्सेस मिल रही है पिताजी से मिलने की, लेकिन जो पहचानते हैं उन लोगों को एक्सेस नहीं है उस मीटिंग में जाने की। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि आप लोग जाएंगे, आपका बहुत उत्साह है, अभी हर ब्लॉक वाइज आपकी बारी आएगी, आप इस उम्मीद में हैं, तो आप जाइएगा ज़रूर, लेकिन अपने तरीके से बहुत कुछ सोच समझ के जाइएगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम नहीं कहते भी सब कुछ झूठ है, आप मान के चलिए सब कुछ सच है। कल हमने आपको जानकारी दी थी भी 80% हमारा मानना है ये वीडियो सही है, हमारा आज भी मानना है कि 80% ये वीडियो सही है, लेकिन वीडियो में दिखाया गया शख्स क्या वाकई में हजूर पिताजी हैं, इसके ऊपर अभी 50-50 सस्पेंस बरकरार है। आने वाले समय में हम कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पर मूव करना शुरू कर सकते हैं, मूव करेंगे भी, कल संडे है तो मंडे से मूव करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड्स पे चढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या ये हलचल किस दिशा में जाना शुरू करती है। अगर ये हलचल नहीं जाती है तो इसको लेकर आगे जो चीज़ें हैं वो जानकारी आपको दी जाएंगी, और जितना हमें पता चलता है जितने, क्योंकि हमने भी कुछ लोगों को वहाँ छोड़ा हुआ है, और वो आपको समय समय पर जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको बताते चलेंगे। वो अलग बात है वहाँ पे अब हलचल बदलने लगे, और जो सवाल हम उठा देते हैं वो सवाल का जवाब कल को या आज रात कोई मीटिंग में आपको मिल जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति मत समझिएगा, इत्तेफाक मत समझिएगा, षड्यंत्रों में इत्तेफाक नहीं होते हैं। हाँ, मसला कल को आपको समझ कैसे आए, ठीक है, खुली संगत में खुली बातचीत हो रही है, बायलेटरल कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ओपन एंडेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और वो जो रामपाल जी ने जो सवाल पहचान लिखी हैं उन पहचानों को आप गौर से पढ़िएगा और उन पहचान को लेके आप जाइएगा, क्योंकि कल मैंने आपके सामने एक जिक्र किया भी चेहरे को देख के लगता है भी स्टेरॉयड दिए गए हैं या फिर किडनी इनसफिशेंसी है, अभी गुर्दे में कोई प्रॉब्लम है कि बॉडी में पानी ठहर रहा है, इस वजह से जो फेस है ये पफी है, ये कल मैंने आपको जानकारी वीडियो में दी थी और मुझे ये चीज़ें महसूस हुई मेडिकली तौर पे। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का कहना है भी अगर ये पफीनेस लग रही है हो सकता है ये मेकओवर हो, और मेकओवर की वजह से जो आँखें हैं वो अंदर धस गई हैं और वो छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, जबकि ओरिजिनल जो आँखें हैं वो छोटी छोटी नहीं हैं, वो थोड़ी अच्छी हैं, सुंदर हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन जो वीडियो फोटोग्राफ जारी हो रहे हैं उसमें आँखों की पहचान नहीं हो पा रही है आँखों से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समय के साथ शक भी पैदा करेंगी, हो सकता है क्लैरिटी भी हो सकता है हमारा ये सारा सोचना गलत हो, क्योंकि क्या है कि हम धोखा खा चुके हैं, तो कहते ना भी दूध का जला छाछ भी फूंकता है या बर्फ भी फूंक के देखता है, तो वो वाला काम है दूध का जला भी, हम तो धोखा खा चुके हैं और उस धोखे में हम अपने 50 से ऊपर भाई बहनों की जान गंवा चुके हैं, तो एक नौटंकी नहीं हो सकती, इस कल्पना आंख बंद करके इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और जब तब जब बहुत सारे शक जनरेट हो रहे हैं इस चीज़ों पे, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप सोच रहे हैं वो मेरे मन में भी है कि भावनाओं का जो उमड़ना है, क्योंकि क्या है हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा फोकस जिनका इसी चीज़ पर है कि पिताजी बाहर कैसे आए, एक प्योर ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ कि हजूर पिताजी को निर्दोष साबित करना है, लेकिन ये जो पैरोल की नौटंकी है इससे पिताजी निर्दोष साबित नहीं होंगे, हमारा फोकस बिल्कुल वही है, लेकिन उस फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए बार बार पैरोल वाला जो सिस्टम है ये जो चलाया जा रहा है, और उसके बाद एक अचानक से ओवर होके बार बार मीडिया में जबरदस्ती प्रस्तुत हो गए कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो बायलेटरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, आमने सामने की बात खुल के बिना रिस्ट्रिक्शंस के बिना कंडीशंस के, जब ये बातचीत हो साथ संगत की, जिसमें जो सवाल पिताजी पर भी उठे हैं, जो सवाल पब्लिक के हैं
उन सारे सवालों का, जब कम्युनिकेशन अलाउड है तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना हो जाए इस चीज़ के ऊपर। वो सबसे आसान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीज़ों के सवाल जवाब उठने लगेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओपन खुले समय में खुला पब्लिक के अंदर विचरना, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चाल है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो वैसा नहीं है लोगों का कहना है भाई जैसा पिताजी का होता है। जो पिताजी की मोज है, एक मोज लोग महसूस करते हैं, मस्त अंदाज जो पिताजी का होता है अपने तरीके का, वो अंदाज महसूस नहीं हो रहा है लोगों को, कि वो अंदाज पब्लिक उसको मतलब एक क्रेज़ की तरह देखती है अभी पिताजी का वो अंदाज देखने को मिले कहीं ना कहीं। और अक्सर जिस जब भी बंदे के अंदर ऐसी ख्वाहिश होती है वो लोगों को दिखता भी है। तो ये सारी चीज़ें जो पब्लिक की इमोशन की, पब्लिक शरीर से कनेक्ट नहीं है पिताजी के, पब्लिक इमोशंस भावनाओं से कनेक्ट है, और भावनाएं खींचती हैं और वो चीज़ को महसूस करते हैं। और यही चीज़ है कि आप 10 लेडीज़ खड़ा दीजिए और उन 10 में से एक लेडी का बच्चा छोड़ दीजिए आगे। अब मान लो 10 में से 9 लेडीज़ बहुत प्यार से उस बच्चे को बुला रही हैं उसका नाम लेके। मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे का नाम सोनू है, सोनू से या जो भी नाम रख लीजिए, मान लो सोनू नाम है, 9 लेडीज़ उस बच्चे को बुला रही हैं बहुत प्यार से सोनू नाम लेके, लेकिन 10वीं जो लेडी है वो उसकी माँ है, माँ वो बुला रही है सोनू, कुछ भी कह के बुलाए तो, लेकिन वो बच्चा उस माँ की आवाज़ को जल्दी पकड़ता है, उसकी तरफ भागता है। बेशक से वो उसकी उतनी पहचान नहीं है, लेकिन उसको जो सेंस है, उसकी जो इमोशंस कनेक्ट हैं, वो इमोशंस उसे खींच लेती हैं। इसी तरह जो पिताजी का अंदाज है बोलने का, वो पब्लिक की इमोशंस को खींचता है और पब्लिक खींची चली जाती है। वो खींच जो महसूस आपको नहीं हो रही है, वो मुझे भी नहीं हो रही है, इसलिए इन सवालों को जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। और उम्मीद है कि जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो सत्संग भी हो, मजलिस भी हो, और उसके बाद बायलैटरल कम्युनिकेशन भी हो। और एक और बात बीच में रह गई, लोगों ने बोला पिताजी भजन सुना दीजिए। बोला जी हमने 700 भजन लिख दिए हैं जो कल की मीटिंग में, भैया अभी याद आया, भजन सुना दीजिए। तो भजन सुनाने को कहा गया तो भजन सुनाया नहीं गया, भजन पढ़ के बताई गई दो लाइनें, वो भी उस भजन की जो नया लिखा गया है, कथित तौर पे जो कहा गया नया भजन लिखा है, दो लाइनें उसकी पढ़ के सुना दी गई। तो ये एक अजीब लगा भी गाया क्यों नहीं गया। और दूसरा जो पिताजी नाम शब्द भी गा के याद करवाते हैं बच्चों को खास तौर पे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर हम इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, आप भी बनाइए, महसूस कीजिए, नाम सुमरण कीजिए। पिताजी ने सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, सबसे बढ़िया फार्मूला बता रखा है, भी जब आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, मतलब माइंड डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, बहुत सारी सोच सोचने लगे, सबसे आसान तरीका है आँख बंद कीजिए। पिताजी कहते हैं वकील आपके अंदर है, 15 मिनट नाम सुमरण की फीस दीजिए। फीस देने के बाद आप पिताजी के सामने स्पष्ट तौर पर रखिए भी जो सच है हमारे को उसका एहसास कराएं, दिखाएं। तो आप भावना रखेंगे, आपकी भावना शुद्ध है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। पिताजी का वचन है, झूठा नहीं हो सकता। और जो कल की वीडियोज़ और उसके बाद जो ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेजेस डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि पिताजी के वचन, पिताजी का जो अंदाज है वो बेबाक है, वो दबने वाला नहीं है, वो कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दबाव दिखा रही हैं। और ये दबाव पिताजी के स्वभाव की स्वभाव नहीं है, और इतिहास गवाह है कि दबाव में हर एक व्यक्ति आ सकता है सिवाय संत के, एक सच्चा संत कभी किसी के दबाव में नहीं आता। तो इसलिए ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पैरोल जिसको मिली है वो कौन है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम हजूर पिताजी तक पहुँचे, हमारी प्रार्थना साथ संगत की हजूर पिताजी तक पहुँचे और पिताजी सच्चाई सामने आए और पिताजी जल्दी साथ संगत को माफ़ करके साथ संगत के बीच लौट आएँ। तो ये कामना करते हैं अपने हजूर पिताजी के चरणों में हम सभी मिलकर नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हमारा लाइव हो सकता है कल भी रहे, परसों लगातार जारी रहे, फिर भी मिस होगा तो आपको जानकारी पोस्ट के जरिए दे देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।